नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम आए हैं श्री नागेश्वर मंदिर और यहाँ पर एक चोपड़ा भी है जिसके भी हम दर्शन कराएंगे आपको। चलिए पहले हम मंदिर चलते हैं और मंदिर में दर्शन कराते हैं आपको। पहले हम अंदर दर्शन करते हैं। शिव शंकर और नागेश्वर भगवान विराजमान है यहाँ पर। बहुत ही अद्भुत और चमत्कारी मंदिर है ये। जय शिव शंकर। यहाँ पर बजरंगबली विराजमान है। गणेश भगवान विराजमान है यहाँ पर। दादाजी से जानेंगे हम मंदिर के विषय में। बताइए दादाजी। ये जीवनलाल महेश्वरी का मंदिर है जी। पुराना मंदिर है दादाजी। कितने साल पुराना होगा मंदिर? बहुत पुराना मंदिर है। और आप कब से आ रहे हैं यहाँ पर? मतलब ये जीवनलाल महेश जी का ग्राउंड है, होशियार मॉडल स्कूल का ग्राउंड है जी। और ये चोपड़ा भी उन्हीं का है। चोपड़ा भी है महेश जी का। चलिए दादाजी बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी दी आपकी। बहुत ही पुराना और प्राचीनतम मंदिर है ये, दादाजी ने हमें जानकारी दी। पुजारी कौन है दादाजी यहाँ के? और यहाँ के नरेंद्र जी नगार। नरेंद्र जी नगार जी यहाँ के पुजारी हैं दादाजी ने हमें बताया। और बहुत अच्छा सहयोग रहा यहाँ पर, पूरी जानकारी मिली हमें। देखते रहिए आप फ्रेंड्स। अब हम चलते हैं अद्भुत चौपड़ा की ओर। बहुत ही सुंदर दृश्य है फ्रेंड्स यहाँ का। ये मेरे पीछे देखिए आप, पूरा चोपड़ा है ये, पुरानी बावड़ी बोल सकते हैं। इसका भी जीर्णोद्धार हुआ है, इसको मुझे लगता है फिर से बनाया गया है, कायाकल्प की गई है इसकी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अभी मैं चोपड़ा में ही घूम रहा हूँ। ये देखिए आप, यहाँ से हम ऊपर चलेंगे। ये बहुत ही लंबी जगह है। चारों तरफ से नीचे जाने के लिए सीढ़ियां बनाई गई हैं यहाँ पर। ये देखिए आप पीछे मेरे,
यहाँ से भी हम नीचे उतर सकते हैं और उस तरफ चढ़ सकते हैं। यहाँ से फिर से हमें ऊपर चढ़ना पड़ेगा। अब हम दर्शन करेंगे लक्ष्मीपुरा चोपड़ा के। फ्रेंड्स, लक्ष्मीपुरा में भी एक चोपड़ा है जिसका भी हम साथ में ही एक ही ब्लॉग में दर्शन कराने वाले थे आपको। चलिए दिखाते हैं आपको। यहाँ पर भी लाइटनिंग की गई है। यहाँ पर नीचे जाने के लिए अभी रास्ता बंद है। यहाँ पर भी बहुत ही सुंदर सा नज़ारा है फ्रेंड्स। चलते हैं हम दूसरी तरफ लेके आपको। इसको आप बावड़ी भी बोल सकते हैं। यहाँ पर इसे चोपड़ा के नाम से पहचाना जाता है। बड़े बाजार लक्ष्मीपुरा में ये पड़ता है। फ्रेंड्स, इसका नाइट व्यू थोड़ा सा और अलग होता होगा। यहाँ से ये नीचे जाने के लिए भी सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। चलते हैं यहाँ पर, देखते हैं क्या है। पानी में नीचे डूबी हुई है ये, शायद जो दिख रहा है ये पुराना है। इसके ऊपर से ये नया निर्माण किया गया है।